हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी गार्डनर दोस्त पूजा। और आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि किस तरह हम अपने जो पीस लिली के प्लांट है उसको सेव कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास है एक पीस लिली का प्लांट जो कि बहुत ही ख़राब कंडीशन में है। देखेंगे कि इसकी जो पत्तियाँ हैं वो पूरी तरह से मुरझा चुकी हैं और ख़राब हो चुकी हैं, सूख कर एकदम ख़राब हो गई हैं सारी ही पत्तियाँ, आप देख सकते हैं। और इसमें जो नई पत्तियाँ आ रही हैं तो वो भी इस तरह से जली हुई आ रही हैं। तो देखते हैं कि इसके लिए हम क्या क्या काम करेंगे। और सबसे पहले तो ये चीज़ नोटिस करेंगे कि इसका जो तना है वो काफ़ी ग्रीन है, एकदम हेल्दी है, आप देख सकते हैं। आपको मैं थोड़ा सा क्लोज से दिखा रही हूँ। तो ये जो इसका तना है ये काफ़ी अच्छा है, इसका मतलब ये जो पौधा है इसकी रूट एकदम ठीक है और जो बाहर से जो पौधा है वो ख़राब हो रहा है। तो उसके लिए हम कुछ काम करेंगे आज, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर गर्मियों के दौरान अगर मेरी तरह आपके क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आपके जो इंडोर प्लांट्स हैं, स्पेशली जो पीस लिली है, उसकी कंडीशन भी कुछ इस तरह होगी। तो आपको उसके साथ क्या करना है वही मैं आज की इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास एक और भी पीस लिली का प्लांट है जो भी सेम कंडीशन में है, उससे मैं सेपरेटली ठीक करूँगी, पर इसका जो वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि हो सकता है आपको उससे कुछ मदद मिल सके। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने देखा कि जो पौधा है उसकी रूट ठीक होंगे, ये हमें आइडिया लगा इसके तने को देखकर। तो आपको क्या करना है, अपना जो पीस लिली का प्लांट है उसके तने को ऑब्जर्व करना है। अगर तना ठीक है, गला हुआ, सड़ा हुआ या फिर इस तरह से जला हुआ नहीं है तो हम समझ सकते हैं कि वो ठीक कंडीशन में है। अगर हमें लगता है कि जो तना है बहुत, मतलब अगर गला हुआ है ओवर वाटरिंग के दौरान या फिर अगर सूख गया है, तो फिर उसे आप रिमूव कीजिएगा, उसकी जो मिट्टी है उसे रिमूव कीजिएगा और फिर वॉश करने के बाद उसे चेक करिएगा कि उसमें कितनी रूट्स हैं। अगर उसकी रूट ठीक हैं तो वो पौधा बच जाएगा, और अगर उसकी रूट्स ख़राब हो गई हैं तो फिर उसे बचाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो जैसा कि हमारा ये पौधा है, मुझे लगता है कि हमें इसकी मिट्टी को छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पौधा ठीक कंडीशन में है, बस इसकी जो पत्तियाँ वगैरह हैं वो ख़राब हुई हो रखी हैं। तो सबसे पहला जो काम करेंगे वो है इसकी कटाई छटाई का काम। तो हम इसे सीजर की हेल्प से इसकी जितनी भी पत्तियां हैं जो भी ख़राब हो रखी है, या फिर जो इस तरह से आप देख रहे होंगे स्टेम है ये, अगर इस तरह से स्टेम भी ख़राब हो रखी है तो हम वहां से उसे इस तरह कट करेंगे सीजर की हेल्प से, इस तरह। और जो पत्तियां ख़राब हो रखी हैं उन्हें भी हम थोड़ा सा अंदर साइड से इस तरह कट करते जाएंगे। तो यहाँ पर ये पत्ती ख़राब हो रखी है तो यहाँ हम सीजर लगाएंगे और इस तरह करते जाएंगे। हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारा पौधा है उसके रूट को डिस्टर्ब ना करें और जो तना है कोशिश करें कि वो ज़्यादा हिले ना, और बहुत ही ध्यान से अपने दोनों हाथों की हेल्प से पकड़ते हुए फिर हम इसे कट करेंगे। बट अभी जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मेरे एक और हाथ में मोबाइल है जिसकी वजह से मैं इसे पकड़ नहीं पा रही हूँ, तो मैं ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। अगर आप इस ट्रिक को अपनाते हैं तो मेरा ये सजेशन है कि आप जो आपका जो पौधा है उसे अपने दूसरे हाथ से सपोर्ट दें और फिर उसे कट करें जिससे कि वो ज़्यादा मूव ना कर सके। तो इस तरह हम इसे काट देंगे। जितनी भी ख़राब स्टेम है, सूखी हुई हैं या फिर जो ख़राब हो चुकी हैं, उन सब पत्तियों को, सारे स्टेम्स को हम अलग कर देंगे। तो इस तरह हम देखेंगे जो हमारा पौधा है काफ़ी हद तक ठीक लगने लगेगा। वैसे भी ये जो पत्तियां हैं इनका कोई रोल नहीं है, ये वापस से ग्रीन नहीं हो सकती हैं, इसलिए इनका कोई काम नहीं है। मैंने सिर्फ हटा देंगे ताकि हमारा जो पौधा है उसकी एनर्जी सेव हो। तो इस तरह हम इसे रिमूव करेंगे और सारी जो भी हमारे पॉट में कचड़ा है या फिर किसी तरह की पत्तियाँ या स्टेम वगैरह हैं उन सबको हटा देंगे, जिससे किसी भी प्रकार का जो फंगल इन्फेक्शन है उसके चांसेस ना बन सके। तो देख रहे हैं हम, मैंने अपना जो पौधा है उसको अच्छे तरीके से ट्रिम कर दिया है और अब इसमें कोई भी सूखी हुई पत्ती मैंने नहीं बचने दी है इस तरह से। और
मैंने कोशिश की है कि रूट्स के जो आसपास वाली जो स्टेम्स हैं उनको ना छेड़ूं जहाँ तक कि मेरा काम चल जाए। ये जो पत्तियाँ यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटी छोटी, ये बेबीज़ प्लांट है, इसलिए इन्हें मैंने नहीं छेड़ा है। अगर मैं इनको डिस्टर्ब करूँगी तो इसकी वजह से ये हो सकता है कि ख़राब हो जाए, इसलिए मैंने इन्हें नहीं छेड़ा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये भी किसी बेबी प्लांट के ही थे जो कि ख़राब हो गया है, तो इस वजह से मैंने इनको भी रहने दिया है एज इट इज़। बट हम जो हमारा मेन जो मदर प्लांट है अभी हम उस पर फोकस करते हैं। तो हमने इस तरह इसकी सारी कटाई छटाई कर दी है और अब हम क्या करेंगे, इसकी जो मिट्टी है देख सकते हैं आप सूखी हुई मिट्टी है, तो मैं ओवर वाटरिंग कभी भी नहीं करती हूँ, तो आपको भी इस बात का ख्याल रखना है ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं मिट्टी एकदम सूखी हुई है, तो ऐसी ही मिट्टी आपकी भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सारी क्लीनिंग करने के बाद इसकी थोड़ी सी गुड़ाई करेंगे। तो गुड़ाई का अर्थ क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी है ना उसको हम थोड़ा थोड़ा सा खोदेंगे किसी भी शार्प चीज़ की हेल्प से। आप स्पून ले सकते हैं, आप सीजर ले सकते हैं, या फिर कोई अदर टूल जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, ज़रूरी नहीं है गार्डनिंग टूल हो, आप कोई अदर टूल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सीजर की हेल्प से भी इसे थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से गुड़ाई कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया मेरे एक हाथ में मोबाइल है, इस वजह से मैं बस आपको सैंपल दे रही हूँ, बाकी आप इसे अपने कन्वीनियंट के अनुसार और अपने पौधे की कंडीशन के अनुसार संभाल कर करिएगा। अपने पौधे को बिल्कुल भी ख़राब मत होने दीजिएगा, हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी पौधा ख़राब हो, तो इसके लिए हमें जो पौधे हैं उनकी काफ़ी केयर करनी होती है। तो इस तरह से हम बस दूर दूर से है ना, और जो उसकी रूट है ना उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बस दूर दूर से हमारी जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा ऐसा उखाड़ देंगे जिससे कि जो मिट्टी है वो ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ी सी पोरस हो जाए, उसमें जो ब्रीदिंग है वो हो सके, एरेसन बन सके, उस टाइप से हम थोड़ी सी हमारी मिट्टी को सॉफ्ट कर देंगे। ठीक है, गुड़ाई करना बहुत मतलब बहुत हेल्प होती है गुड़ाई करने से। अभी ट्राई करिएगा अपने पौधों में, अगर आप गुड़ाई करते हैं इस तरह से तो काफ़ी अच्छे जो हमारे पौधे हैं उनका रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है। चलिए अब मैंने जिस तरह से ये चीज़ करी है आप भी ऐसे ही अपने पौधे की गुड़ाई कर सकते हैं। उसकी मिट्टी की मिट्टी को थोड़ा सा ठीक ठीक सेट करने के बाद हम इसमें वाटरिंग करेंगे, और वाटरिंग जो है इसका टाइम पर हम बहुत ही अच्छे से करेंगे, क्योंकि जैसा आप जानते हैं पीस लिली को हम बार बार वाटरिंग नहीं करते हैं, बस एक बार मैं इसे अच्छे से वाटरिंग करूँगी जिससे कि ये नीचे तक पानी जा सके और पानी ड्रेन आउट भी हो जाए। और जब इसका सारा पानी निकल जाएगा ड्रेनेज होल से तो हम इस पौधे को फिर इंडोर शिफ्ट कर देंगे और सेट में रखेंगे। अच्छा, और एक चीज़, ये जो पानी आप देख रहे हैं सादा पानी नहीं है, मैंने रेन वाटर को कलेक्ट किया है, क्योंकि मैं हमेशा ही अपने जो इंडोर प्लांट्स हैं उनके लिए रेन वाटर कलेक्ट कर लेती हूँ और फिर उसी से वाटरिंग करती हूँ या स्प्रे करती हूँ। ये हमारे पौधों के लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर बारिश होती है उस दौरान आप पानी जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं और उसे स्टोर करके रख लीजिए, और फिर जितने भी आपके प्लांट्स हैं जो बाहर हैं उन्हें तो मिल ही जाता है, जो अंदर है उन्हें आप इस तरह से दे सकते हैं। तो अब देखिए ये हमारा जो पौधा है बिल्कुल तैयार है, इसका जो अपडेट है वो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी, जैसे ही मुझे इसमें कोई भी नई ग्रोथ दिखाई देगी या फिर नई जो पत्तियां हैं या कुछ भी इसमें नया जो चेंज मुझे अगर नोटिस होगा पॉजिटिव या नेगेटिव भी, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।